दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम देखेंगे कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम हॉनर्स फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का फुल सिलेबस देखने वाले हैं। आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहने वाली है, आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट क्या रहने वाली है, एवरीथिंग रिलेटेड टू योर सिलेबस। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा फर्स्ट ईयर में आपके क्या सिलेबस रहने वाला है और आपकी टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स क्या है। देखिए, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपकी 8 रहने वाली है, मतलब कि कुल मिला के आपको 8 पेपर देने हैं एक साल में। फर्स्ट जो आपकी सब्जेक्ट रहेगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जैसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोम कहते हैं। सेकंड जो सब्जेक्ट रहेगी वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। थर्ड सब्जेक्ट आपकी रहेगी बिजनेस लॉ। फोर्थ सब्जेक्ट आपकी रहेगी माइक्रो इकोनॉमिक। फिफ्थ सब्जेक्ट आपकी रहेगी बिजनेस स्टैटिक्स। सिक्स सब्जेक्ट आपकी रहेगी बिजनेस कम्युनिकेशन। सेवन सब्जेक्ट आपकी रहेगी पॉलिटिक्स, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। एट सब्जेक्ट आपकी रहेगी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। टोटल नंबर ऑफ आपकी 8 सब्जेक्ट रहने वाली है, ठीक है। सारी सब्जेक्ट कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं है फर्स्ट ईयर के अंदर, सब आपको पढ़ के जाना है, सारी ही कंपलसरी है। आपकी एग्ज़ाम की बात करूँ तो एग्ज़ाम जनरली आपके मई और जून मंथ में होते हैं। मई में स्टार्ट हो जाते हैं तो जून में अक्सर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये तो था बीकॉम हॉनर्स फर्स्ट ईयर का सिलेबस। चलो दोस्तों, अब बात करता हूँ मैं बीकॉम हॉनर्स सेकंड ईयर के सिलेबस की। सेकंड ईयर में आपकी टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 9 रहेगी, 9 की 9 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। तो देखते हैं आपकी सब्जेक्ट्स कौन कौन सी रहने वाली है। फर्स्ट जो सब्जेक्ट आपकी रहेगी बिजनेस मैथमेटिक्स रहेगी। सेकंड सब्जेक्ट आपकी रहेगी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रहेगी। थर्ड सब्जेक्ट रहेगी कॉर्पोरेट लॉ। फोर्थ सब्जेक्ट आपकी रहेगी इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। फिफ्थ माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी एंड एप्लीकेशन। सिक्स कॉस्ट अकाउंटिंग। सेवन्थ ई कॉमर्स। एट्थ ऑडिटिंग। नाइन्थ सब्जेक्ट आपकी ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब कि आपके पास 3 सब्जेक्ट रहेगी जिसमें से आपको चूज़ करना है। फर्स्ट आपकी हिंदी, तमिल और पॉलिटिकल साइंस है। ऑप्शनल में आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपकी 9 है। 9 की 9 कंपलसरी सब्जेक्ट्स है। इसके भी एग्ज़ाम मई और जून मंथ में होते हैं। 8 सब्जेक्ट कंपलसरी है और 9वीं सब्जेक्ट में आपका ऑप्शनल है, आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करनी है दोस्तों। तो ये हमने बात करी बीकॉम हॉनर्स सेकंड ईयर स्टूडेंट्स की। दोस्तों, अब हम बात करते हैं थर्ड ईयर स्टूडेंट्स की। थर्ड ईयर में आपके टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट 8 रहने वाली है। उसमें से आपकी 4 कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगी और 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगी, मतलब कि कुल मिला के आपकी 8 नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट आपकी कौन सी रहेगी। तो कंपलसरी में आपकी 4 सब्जेक्ट है। पहली आती है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सेकंड आती है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड आपकी आती है इंडियन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड पॉलिसीज। एंड फोर्थ आपकी आती है प्रोजेक्ट वर्क। ये है आपकी कंपलसरी 4 सब्जेक्ट जिसमें आपकी कोई चॉइस नहीं है, आपको यही सब्जेक्ट करनी है। तो अब मैं बात करता हूँ ऑप्शनल सब्जेक्ट की। ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर आपके पास यहाँ पे 5 ग्रुप हैं। 5 में से आपको 2 ग्रुप सेलेक्ट करने हैं। दो ग्रुप, हर ग्रुप के अंदर आपकी 2 सब्जेक्ट्स रहने वाली है दोस्तों। आप 2 ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, डैट मीन्स आपने 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं। 4 सब्जेक्ट आपकी कंपलसरी हो गई हैं एंड 4 सब्जेक्ट आपकी ऑप्शन रह गई हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप हर एक ग्रुप में से एक एक सब्जेक्ट ले रहे हैं, दिस इज़ नॉट अलाउड। आपको ग्रुप ही सेलेक्ट करने हैं, आपको कुल मिला के 2 ग्रुप सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में ग्रुप में आपकी क्या सब्जेक्ट रहने वाली है। तो देखिए, अगर मैं ग्रुप ए की बात करूँ, मतलब ई ए की बात करूँ, तो पहला जो सब्जेक्ट है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। एंड एंड मतलब आपकी दूसरी सब्जेक्ट आ गई है फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। 2 सब्जेक्ट कवर हो गई हैं। अब मैं बात करता हूँ ग्रुप ई सी की। इसमें आपका आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग आपकी एक सब्जेक्ट है और दूसरी जो सब्जेक्ट है आपकी एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग है। ग्रुप ई डी की बात करते हैं तो इंटरनेशनल बिजनेस एंड पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड आ रहा है, मतलब कि दूसरी सब्जेक्ट आ रही है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ई ग्रुप की, तो उस पर आ रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट। अब मैं लास्ट ग्रुप की बात कर रहा हूँ ई एफ की। इसमें आता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड बिजनेस टैक्स प्रोसीड एंड मैनेजमेंट। ये आपके हैं टोटल 5 नंबर ऑफ ग्रुप। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट इसमें आपको 10 दिख रही है, जिसमें से आपको 4 सब्जेक्ट करना है। 4 सेलेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर एक ग्रुप में से एक सब्जेक्ट चूज़ करें, ऐसा नहीं है। आपको 2 ग्रुप सेलेक्ट करने हैं, जो भी आपकी मनपसंद सब्जेक्ट्स है उसमें। कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर कौन से ज़्यादा अच्छा ग्रुप रहने वाली है, कौन सी ज़्यादा अच्छी सब्जेक्ट हैं। तो ये डिपेंड आप में ही करता है दोस्तों, आपकी जो भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप वो सिलेक्ट करें। सारी सब्जेक्ट ही काफ़ी अच्छी हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू यू आप सिलेक्ट करें अपनी सब्जेक्ट्स।
तो हमने थर्ड ईयर में देखा कि आपकी टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट 8 रहने वाली है, 4 कंपलसरी है और 4 ऑप्शनल है। इसके भी एग्ज़ाम आपके मई और जून में होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का सिलेबस क्या है। अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई फर्दर क्वारी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।